नमस्कार। चूंकि हमने पहले संघात्मक शासन का अर्थ, परिभाषा और उसके आधारभूत सिद्धांत देख लिए थे, आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता या गुण जिसे हम कह सकते हैं, वो सबसे पहली विशेषता है राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। संघीय शासन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो केंद्रीय सरकारों को दिए गए हैं और स्थानीय महत्व के जो विषय हैं वे इकाइयों को दिए गए हैं। इस प्रकार केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच एक प्रकार का समझौता किया जाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप ही संघीय शासन में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वतंत्रता दोनों के ही लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, और ऐसा केवल संघीय शासन में ही संभव है। इसलिए डायसी तो यहाँ तक कहते हैं कि संघ शासन राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत राजनीतिक पद्धति है। कहने का अभिप्राय ये है कि संघात्मक शासन की में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन दोनों के बीच सामंजस्य है। केंद्र से यानी संघीय राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो केंद्र सरकार देखती है और स्थानीय महत्व के जो विषय हैं वो राज्य सरकारें देखती हैं। फिर अगली विशेषता पर हम आते हैं, निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति। यानी जो राज्य निर्बल हैं उन राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। संघीय शासन के द्वारा छोटे छोटे राज्यों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे परस्पर मिलकर एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण कर सकें, और यह बात नितांत सत्य है कि संगठन में ही शक्ति होती है। तो अमेरिकन संघ में जो विभिन्न 50 राज्य हैं वे यदि पृथक पृथक रहें तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कदापि शक्ति और अधिकार प्राप्त नहीं होता है जो अमेरिका संघ के कारण उन्हें प्राप्त है। भारतीय संघ में भी राज्यों के संबंध में यही बात कही जा सकती है कि संघ की स्थापना में न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र वरन आंतरिक क्षेत्र में भी शक्ति बढ़ जाती है। तो जो छोटे छोटे निर्बल राज्य हैं उनसे मिलकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया जाता है। फिर हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट विशेषता पर, मितव्ययता और औद्योगिक विकास। संघीय शासन की स्थापना से प्रशासनिक व्यय में बचत होती है, क्योंकि संघ की स्थापना के कारण वे अनेक व्यय से बच जाते हैं जो संघ की प्रत्येक इकाई को अलग अलग उन कार्यों पर करने पड़ते हैं जो संघीय सरकार सभी इकाइयों की ओर से करने लगती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो संघीय शासन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि विशाल संघीय राज्यों में ही वर्तमान समय में विशाल उद्योग सरलता से स्थापित किए जा सकते हैं। तो मितव्ययता और औद्योगिक विकास की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी संघात्मक शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है। फिर हम आते हैं अगली विशेषता पर, निरंकुशता की आशंका नहीं। एकात्मक शासन में संपूर्ण राजशक्ति सिर्फ केंद्र सरकार में निहित होती है। इसी कारण एक व्यक्ति के निरंकुश शासन की स्थापना की आवश्यकता आशंका बनी रहती है, परंतु संघात्मक शासन में शक्ति अनेक इकाइयों में बटी हुई होने के कारण इस बात की कोई आशंका ही नहीं रहती है। ब्राइस के शब्दों में अगर देखा जाए तो संघ में एक निरंकुश शासन द्वारा जनता के अधिकार हड़प लिए जाने का खतरा नहीं रहता है। फिर हम अगली बात पर आते हैं, वो है राजनीतिक चेतना। तो संघीय शासन अपने नागरिकों को श्रेष्ठ राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने ही क्षेत्र में सर्वांगीण संघीय सरकार की छाया सरकार प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में इस छाया सरकार से निकट का संबंध होने के कारण उनमें उसकी रुचि भी अधिक होती है। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक के लिए प्रांतीय सरकार के कार्यों में भाग लेना भी सरल होता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक चेतना की वृद्धि संघात्मक शासन में अधिक होती है बजाय एकात्मक शासन के। फिर हम आते हैं अगली विशेषता पर, वो है केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। तो जन कल्याणकारी राज्य की इस धारणा के कारण वर्तमान समय में सरकार के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, और केंद्रीय सरकार के पास अपनी कार्य क्षमता से अधिक कार्य केंद्रित हो गए हैं। वार्ड जैसे लेखक भी कहते हैं कि केंद्र को पक्षाघात हो गया है और दूरस्थ क्षेत्र रक्तहीनता से पीड़ित हैं। यानी संघीय सरकार या संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन होने के कारण केंद्रीय सरकार का कार्यभार हल्का हो जाता है और वो अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को कुशलता से एक साथ कर सकते हैं। तो ऐसे में केंद्रीय शासन में कार्य कुशलता के साथ कार्य होता है।
फिर हम अगली विशेषता पर आते हैं कि विशाल राज्यों के लिए नितांत उपयुक्त है, क्योंकि विशाल राज्यों के लिए संघीय शासन सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि बड़े राज्यों में भाषा, धर्म, हितों की विभिन्नता पाई जाती है और इस प्रकार की विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार का प्रबंध करना होता है। इस प्रकार का प्रबंध केवल एक संघ राज्य में ही संभव है, केवल विशाल राज्यों के लिए ही नहीं, वरन स्विट्जरलैंड जैसे छोटे राज्यों के लिए भी, जहाँ धर्म, जाति, भाषा आदि की विभिन्नता हो, संघ प्रणाली ही उपयुक्त होती है। फिर नेक्स्ट विशेषता पर हम आते हैं, विश्व संघ की ओर एक कदम। छोटे छोटे राष्ट्रीय राज्यों को विशाल राज्य के रूप में संगठित करके एक संघ राज्य मानव दृष्टिकोण को उदार बनाता है और इस दृष्टि से संघ राज्य विश्व संघ के निर्माण की दिशा में एक सही प्रयत्न है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे में एक विशाल संघ की स्थापना की जाए, विश्व संघ की स्थापना की जाए, उसके लिए भी संघात्मक शासन जो है एक आइडियल शासन हम मान सकते हैं, जिसमें हम विश्व संघ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम इसमें आते हैं इसके दोष के बारे में। तो संघात्मक शासन के दोषों में सबसे पहला जो दोष ये माना जाता है वो है आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता। राजशक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वह एकता और शक्ति नहीं होती है जो एकात्मक शासन में होती है। जिन विषयों का प्रबंध संघ की इकाइयों द्वारा किया जाता है उनके संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नता होने के कारण शासन में निर्बलता भी आ जाती है। दोहरे प्रशासन के कारण प्रबंध में अनावश्यक देरी होती है, विशेष रूप से संकटकालीन परिस्थितियों में निर्णय लेने में बहुत अधिक परेशानियों का कारण भी बनता है। तो हम ये मान सकते हैं कि आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता इस संघात्मक शासन में पाई जाती है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्बलता। संघ राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी निर्बल होते हैं, क्योंकि अनेक बार संघीय राज्यों में आंतरिक विभेद होते हैं तो विदेश नीति को प्रभावित करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विदेशों में राज्य की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीकी संघीय निर्बलता अनेक बार देखी गई है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, इकाइयों द्वारा पृथक होने की आशंका। चूंकि इनका आपस में मिलना एक समझौते का परिणाम है तो हमेशा केंद्र सरकार को ये भय लगा रहता है कि कहीं विद्रोह ना हो जाए और अनेक राज्य मिलकर कोई नए संघ का निर्माण ना कर लें, संबंध विच्छेद ना हो जाए। तो अमेरिका में जब संघीय सरकार ने दास प्रथा के अंत का निश्चय किया तो इस नीति से असहमत अनेक दक्षिणी राज्यों ने इसका विरोध किया और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो एकात्मक राज्य में इस प्रकार की आंतरिक विद्रोह की आशंका नहीं होती है। अगले दोष पर अगर हम आएँ तो संघ राज्य का संगठन जटिल है। एकात्मक शासन की तुलना में अगर देखा जाए तो संघ राज्यों का जो संगठन होता है वो जटिल होता है। संविधान द्वारा केंद्रीय और इकाइयों की सरकारों में शक्ति विभाजन किए जाने के कारण इन दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में सदैव ही विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और ऐसे मतभेद और विवाद संघ के सामूहिक हित के लिए भी अधिकाधिक हानिकारक होते हैं। फिर हम आते हैं सीमा विवाद उत्पन्न होने की आशंका। संघात्मक शासन में संघ की इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के सीमा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ये सीमा विवाद जो है उनके बीच कटुता को जन्म देते हैं, संघ की प्रगति को रोक देते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, असम नागालैंड सीमा विवाद, ये अनेक विवाद हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय एकता पर भी आघात है। संघीय शासन में राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचने की भी आशंका रहती है। अनेक बार प्रत्येक इकाई की सरकार अपनी उन्नति का ही प्रयत्न करती रहती है, इकाइयों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती है, तो ऐसे में राष्ट्रीय एकता पर भी आघात उत्पन्न होता है। अपव्यय इस रूप में है कि संघीय सरकार व्यय साध्य है, क्योंकि इसमें दोहरी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं तो बार बार चुनाव होते रहते हैं, तो हर कुछ समय बाद लगता है कि चुनाव ही चल रहे हैं, तो ऐसे में सरकार का धन का अपव्यय होता है, शक्ति भी लगती है। तो ऐसे में पृथक पृथक राज्यों की तुलना में संघीय शासन में एकात्मक शासन अधिक मितव्ययी होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। एकात्मक शासन का उत्तरदायित्व सुगमता से स्थापित हो जाता है कि भाई इसी का दायित्व था, इसने काम नहीं किया,
पर यहाँ संघात्मक शासन में केंद्र सरकार कभी राज्य सरकारों पे डाल देती है, कभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार पे डाल देती हैं, तो किसी भी प्रकार से किसी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संघात्मक शासन की विशेषताएँ भी हैं तो दोष भी हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो संघात्मक शासन, अगर राज्यों की परिस्थिति से देखें तो संघात्मक शासन श्रेष्ठ शासन है, क्योंकि इसमें तानाशाही की, निरंकुशता की संभावनाएं कम रहती हैं। धन्यवाद।